पहला स्टॉक स्टॉक फटाफट का है अपोलो टायर्स। प्रकाश जी इंदौर से अब है पूछ रहे अपोलो टायर्स में क्या करना चाहिए, इन्हें 295 के भाव पर खरीदा है, दबाव में दिख रहा है। और अपोलो टायर के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि इनका काफी कुछ रबर जो है वो केरल से आता है और केरल में जिस तरह की हम तबाही देख रहे हैं अपोलो टायर के लिए थोड़ा पेन यहाँ पर। पेन तो है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है लेकिन नथिंग टू वरी। बेसिकली ये इंडस्ट्री जो है ये सेक्टर है, सेक्टर बढ़िया है, इसमें जब भी डिप्स मिलती है खरीदारी करना चाहिए लेकिन एक नजरिया होना चाहिए, नजरिया लंबा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी होल्ड कीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 240 के आसपास है, अगर वहां पर मिल जाता है एक मौका तो वहां पर चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है 240 को वॉच आउट कीजिए, ऐड करने का अच्छा मौका हो सकता है लंबी अवधि के लिए अपोलो टायर होल्ड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना से वसीम जी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, इसमें 102 रुपए में खरीदा है, 250 शेयर होल्ड करते हैं। बहुत महंगा खरीदा है लेकिन मुझे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती, ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहा है कि शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले। अगर सपोर्ट मिलता है तो दो बातें हो सकती है, एक साइडवेज मूव मिल सकता है या नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर होल्ड कीजिए, अप मूव मिल सकता है 84-90 के आसपास, वहां पर निकल जाइएगा, लॉस होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। सवाल 200 शेयर 180 इनकी बाइंग प्राइस। नथिंग टू वरी, 140 में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और वहीं से एक अप मूव मिला है, शायद इनको एक 180 का जोन फिर एक देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। केशोराम मुंबई से दिलीप कपाड़िया होल्ड करते हैं, केशोराम इंडस्ट्रीज के इनके पास है 250 शेयर 123.50 रुपए की खरीद है। अपू मिल सकता है, महंगा लिया है इन्होंने, फिर एक अपू मिलेगा तो 120 के करीब चला जाएगा, इनकी कॉस्ट वहीं पर है तो वहां पर भी निकल सकते हैं लेकिन यहाँ पर लॉस बुक करने की जगह नहीं है, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, फिर एक अपू मिलेगा, एड अब मत कीजिएगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा, एक थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए पहले। क्विक हील गोवा से रॉकी डी कोस्टा होल्ड करते हैं, 350 शेयर 370 की खरीद है इनकी, होल्ड करना चाहिए, अब सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, फिर एक अप मूव मिलेगा 320-330 चला जाएगा, इनकी कॉस्ट 370 है, बहुत हाई है, तो मेरे ख्याल से फिलहाल होल्ड कीजिए और फ्रेश लुक लीजिए 330 के आसपास। एमटेक ऑटो कोलकाता से भावेश होल्ड करते हैं, एमटेक ऑटो के 600 शेयर 30 रुपए में इन्होंने खरीदा है, लॉस हो रहा है इनके भाव से नीचे, एमटेक ऑटो निकल जाना चाहिए, आज भी सर्किट में है, कल भी लोअर सर्किट में था, निकल जाना चाहिए मौका मिले तो। एग्जिट एमटेक ऑटो। बीएल मुरादाबाद से अल्पना जी होल्ड करती हैं, बीएल के 200 शेयर हैं, 122 की खरीद रही है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए क्योंकि लगता है जो बाउंस मिला था पिछले दिनों हमने देखा 100 के आसपास, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा, 130 और 140 का जोन देखने को मिलेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अशोक लेलैंड सुभाष जी होल्ड करते हैं, पुणे के हैं सुभाष और इनके पास है 100 शेयर 127.55 रुपए की खरीद रही है। 100 रुपए में जो बाउंस मिला था 104 में बहुत बढ़िया मिला था, इसका अप मूव मिलेगा, शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 150 भी होगा, इसमें अगर डिप्स मिलती है तो इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन नजरिया लंबा कीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया होल्ड है। इरोस गुवाहाटी से महेश गोगोई का सवाल, 63 शेयर 178 रुपए की खरीद रही है। Well, lower levels में एक support मिला है, hope ये support hold करे, लेकिन resistance upper regions में है, structure weak है, up move मिलता तो उसका advantage लेकर जरूर निकल जाएगा। BSE के 100 शेयर 822 के भाव पर दमन से प्रताप होल्ड करते हैं। Well, मैं इस स्टॉक को स्किप कर लूंगा क्योंकि इस स्टॉक BSE में ट्रेड नहीं करता, मेरे BSE का चार्ट मेरे पास होता है। ठीक है तो BF यूटिलिटीज अगला स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए, मुंबई से परेश का सवाल है, 380 की बाइंग रही है इनकी, 50 शेयर हैं BF यूटिलिटीज। वेल 350 होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 400 का जोन भी देखने को मिलेगा, उसके इर्द गिर्द एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, 390-400 इस जोन पे। अवंती फीड्स अंबरनाथ से स्वप्निल के पास है, 250 शेयर 600 रुपए में खरीदा इन्होंने, नुकसान काफी हो रहा है। हाँ नुकसान हो रहा है लेकिन लगता है कि यहाँ पर शायद एक बाउंस मिले, यहाँ पर काफी गिरावट हुई है, अगर बाउंस मिलेगा तो ऊपर जाएगा करीब 500-550 के आसपास, वहां पर एक बार निकल सकते हैं। ठीक है अगला स्टॉक कैस्ट्रॉल है, जयपुर से प्रतीक होल्ड करते हैं कैस्ट्रॉल, 250 शेयर 235 रुपए में खरीदा है इन्होंने, होल्ड करना चाहिए कैस्ट्रॉल, मुझे लगता है अपू मिलेगा, 200 की तरफ फिर जाएगा, मौका मिलेगा निकलने का, ज्यादा मुझे गिरावट नजर नहीं आती है, लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है 150 के आसपास।
वीवीमेड लैब मुंबई से विशाल देवगन के पास है 100 शेयर 60 रुपए की खरीद, 60 रुपए की खरीद है, अच्छी जगह पे उन्होंने खरीदा है। इतनी गिरावट के बाद 160 के एक हाई देखा था, अब लोअर लेवल से 50 के आसपास है। इतनी गिरावट के बाद यहीं पर ऐसी जगह है, यहां से एक बाउंस मिल सकता है, तो इनकी खरीदारी की जगह तो अच्छी है। बेचने कहां पर, इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 70 में निकल सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कुछ मीडियम टर्म के हिसाब से 90 भी जोन देखने को मिलेगा। क्षेत्र में एक टर्न अराउंड आया है विविमेंट बैंक में, मुझे लगता है 90 का जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो 90 तक आप देख सकते हैं विविमेंट को।